अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद राबी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कोकोनट बिस्किट्स की रेसिपी। ये बहुत क्विक रेसिपी है, 15 से 20 मिनट में बिल्कुल बाहर जैसे परफेक्ट बिस्किट बेक हो जाते हैं। मैंने विदाउट ओवन बेक किया था, आप ओवन में भी बेक कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए, रेसिपी समझ आए तो ट्राई कीजिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैंने मैदा लिया है, इसे छान लिया था। 1/2 कप फ्रेश कोकोनट लिया है। 1/2 कप पाउडर शुगर ली है। 1/3 कप मक्खन या फिर घी लेना है, मैंने घी लिया है। 2 टेबलस्पून मिल्क लेना है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेना है। फ्रेश कोकोनट लेना है। बिस्किट्स के शेप देने के बाद इसमें कोट करने हैं। 1 बाउल ले लेंगे। शुगर ऐड करनी है इसमें, शुगर पाउडर फॉर्म में ली थी। 1/3 कप घी ऐड करना है। घी को थोड़ा मेल्ट कर लेंगे रूम टेम्परेचर पर। मक्खन भी ले सकते हैं लेकिन मैंने घी लिया है, घी से भी बिल्कुल परफेक्ट बिस्किट बेक हो जाते हैं। अब बीटर या फिर विक्सर से इसे मिक्स कर लेंगे, मैं विक्सर से कर रही हूँ। 7 से 8 मिनट के लिए इसे मिक्स करना है, एक क्रीमी फॉर्म में लाना है। अच्छे से मिक्स करना है, प्रॉपर मिक्सिंग होनी चाहिए। अब ये क्रीमी फॉर्म में आ चुका है। इस तरह हमारे बिस्किट जो हैं बिल्कुल क्रिस्पी बनते हैं। अब इसमें 1 कप मैदा ऐड कर देंगे। 1/2 कप कोकोनट ऐड कर देंगे, क्रश कोकोनट है ये। वन टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे इसमें। अब स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। अब इसमें 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। अब इसे गूंद लेंगे, एक सॉफ्ट सी डो बनानी है। अब इसे राइस होने के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे। एक पैन लेना है, बटर पेपर लगा देंगे। अब इसके ऊपर ऑयल डालेंगे, ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने से ये होगा कि हमारे बिस्किट्स जो हैं जलेंगे नहीं और इजीली बाहर आ जाएंगे बेक होने के बाद। अब शेप देना है। 1 स्पून ले लेंगे, सेम साइज़ के बॉल बनाने हैं। स्पून से ये होगा कि हमारे सारे बिस्किट एक साइज़ के बनेंगे। इसे टैप कर लेंगे, बिल्कुल राउंड शेप देनी है। अब इसे कोकोनट में कोट कर लेंगे, प्रॉपर कोटिंग करनी है। बिल्कुल राउंड शेप आना चाहिए। अब इसी तरह बाकी के भी बिस्किट बना लेंगे। बिस्किट की शेप हमने दे दी है, अब इसे बेक होने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। बिस्किट हमारे बेक हो चुके हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम इसे तोड़ के देख लेंगे कितने क्रिस्पी बने हैं, ये चेक कर लेंगे। ये इजीली टूट गए हैं, बिल्कुल क्रिस्पी बने हैं बाहर जैसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।